हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, जो कि आप सभी के लिए निकल कर आ रही यूपी टीईटी और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी खुशखबरी पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 49,500 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, और अगर बात की जाए इसके प्रोसेस को लेकर, साथ ही सीएम योगी के माध्यम से दिए गए भर्तियों को लेकर आदेश के बारे में और नई लेखपाल भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश ग्राम विकास एवं समाज विकास अधिकारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की है राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि देखने के लिए मिलती है चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी को अध्याय भार सामग्री के साथ देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल परीक्षाओं के लिए जो आपके पाठ्यक्रम है उस पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 400 पेपर के साथ साथ 1100 से ज़्यादा गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन देखने के लिए वो सीधे तौर पे आप सभी की एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अध्याय भार संकलन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें डिटेल में सारी जानकारी को कवर करें, और सभी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, उन क्वेश्चन की आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला भी देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का लेखपाल के लिए आप सभी की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर लगातार योगी सरकार के माध्यम से कोई ना कोई आदेश और कोई ना कोई जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। कल देर रात को भी आप सभी को मैंने एक आदेश दिखाया था, जिसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर सीएम योगी की तरफ से नेतृत्व करते हुए आदेशित किया गया है समूह का, समूह खा और समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जो अध्याचन है वो संबंधित आयोगों को भेज दिए जाए, जिससे कि नई भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। अब इसी के संबंध में एक और नई जानकारी आप सभी के सामने है। ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग है, मैं आपको एक एक तरीके से आपको समझा देता हूँ। चलिए बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी विभागों में खाली पड़े हुए शीघ्र भरे जाए इन भर्ती को लेकर प्रस्ताव सीएम योगी ने भर्ती बोर्ड और आयोग को अध्यक्ष को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बैठक करते हुए जो भी भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में सभी आयोगों के अध्यक्ष के साथ में बैठक की। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए कि सभी विभागों में जो पद खाली हैं उनके भर्ती प्रस्ताव यानी कि अध्याचन जल्दी संबंधित आयोग को भेज दिए जाएं। आयोग को इससे जुड़ी भर्तियों को तुरंत शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने किसी भी विभाग की तरह अगर तरफ से भर्ती को लेकर कोई भी प्रस्ताव लंबित है तो उसको कहीं ना कहीं लंबित न रखने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में की जा रही सभी भर्ती आयोगों के संबंध में जानकारी ली और सभी बोर्ड व आयोग के अध्यक्षों के साथ में बैठक कर खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी व समय से पूरा कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पुनर्नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संचलन के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। सीएम ने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा का उदाहरण देते हुए सभी भर्ती आयोगों को इसी मॉडल को अपनाने को लेकर और परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड व आयोग के अध्यक्ष के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। परीक्षा में ऑप्टिकल फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, यानी कि एआई की बात की जा रही है, और सीसीटीवी का प्रयोग करते हुए अफवाहों को रोकने के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें कहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से एक और बैठक का आयोजन किया गया था, और उस बैठक के अंदर सभी भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को बुलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए कि जो भी भर्तियों से लंबित जो लंबित प्रस्ताव हैं उनको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इनको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी को कई दिनों पहले ही जानकारी दे दी थी, हालांकि मैं बिजी था लेकिन फिर भी जो संभव हुआ मैंने किया, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने देवेंद्र प्रताप।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आखिरकार परीक्षा नियंत्रक मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देव प्रताप सिंह को प्रतिनियुक्ति में 3 साल के लिए नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से सोमवार को देवेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए अविलंब कार्यभार ग्रहण करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। नए आयोग के गठन के साल भर के बाद 1 सितंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीर्ति पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था और अब 21 अगस्त 2023 को नए अधिनियम से कैबिनेट पास हुआ था। उसके बाद में 13 नवंबर 2023 की नियमावली को मंजूरी मिली। 15 मार्च को आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई। 18 जुलाई को सचिव ने कार्यभार ग्रहण किया और उप सचिव के 4 सृजित पदों के लिए केवल 1 पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत है। समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया था। परीक्षा केंद्र और इसके अलावा अध्यक्ष और निरीक्षकों के साथ साथ परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक आवंटन और प्रवेश पत्र की व्यवस्था, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रक्रम, चयनित अभ्यर्थियों के पैनल अग्रसर करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही, आवेदन पत्रों के समुचित और समय से समीक्षा की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विज्ञापित पदों की होगी चुनौती। लिखा हुआ है कि नए आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने सबसे पहले जो कहने की जो समस्या होगी या फिर यूं कहें कि सबसे बड़ी जो कहीं चुनौती होगी वो होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना। मैंने कई बार आपको कहा था कि एक बार जैसे ही आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे तो आपकी भर्ती को लेकर जो परीक्षा की तेजी है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लिखा हुआ है कि नए आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने पूर्व से विज्ञापित 2 भर्तियों की लिखित परीक्षा समय से कराना बड़ी चुनौती होगी। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए 31 अगस्त 2023 तक आवेदन लिए गए थे। इसके लिए आवेदन के लगभग 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किए। वहीं 4512 यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो आवेदन करने वालों की संख्या वो 13 लाख से ज़्यादा है और आवेदन मांगे जाने के बाद अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि परीक्षा नियंत्रक को लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। मैंने आप सभी को बताया भी था। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कितनी जल्दी ये परीक्षाओं को शुरू करवाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा। इसी के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो रास्ते हैं वो साफ़ हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग जब पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है तो फिर उसका काम भर्तियां कराना ही होगा। वो बात सत्य है कि भर्तियों के लिए जो अध्याचन है आयोग को जैसे ही मिलेंगे उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। अब देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार कौन कौन से रिक्त पदों के अध्याचन वहाँ पर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती सीएम योगी। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्ष को निर्देश देते हुए 49,500 से रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने को लेकर समयबद्ध ढंग से पूरी कराए जाने के साथ ही चिकित्सा तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर शीघ्र भर्ती की जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं के आरक्षण नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोमवार को तमाम भर्ती आयोगों के साथ बैठक करते हुए 49,500 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि जो 49,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन है ये इसी महीने जारी कर दिया जाए, ये भी आदेश जारी किए गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 49,500 में कौन कौन से वो पद हैं जिसकी जानकारी दी गई है। हालांकि इसमें किसी एक विभाग को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ लिखा हुआ है कि 49,500 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी कर दिए जाएं। बाकी ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।